विंटरलैंड विंटरलैंड इतनी ज़्यादा हाइप हो गई थी इस जगह कि आजकल सोशल मीडिया पे टिकटॉक स्क्रॉल करो, यूट्यूब खोलो, हर जगह यही नज़र आ रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी ये जगह एक दफ़ा विज़िट करें और आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। इस सब के साथ साथ ही आपका एक न्यू वीडियो में वेलकम हो गया है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी हमें तो था बस जल्दी से किसी ना किसी तरह सफ़र ख़त्म हो और विंटरलैंड आ जाए। यहाँ पे बैनर तो हमें दिख गया था बैरियर के एंट्रेंस पे कि भाई इस तरह का पार्क है कोई, तो हमें थोड़ा सुकून हुआ। उसके बाद थोड़ी ही देर में हम लोग पहुँच गए थे वहाँ पे। पार्किंग एरिया में काफ़ी ज़्यादा रश था, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा पार्किंग से ही। गाड़ी को पार्क करती हमें इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी विंटरलैंड की कि हमने बाहर से भी कोई व्लॉग या कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड की, हम डायरेक्ट अंदर गए और टिकट्स लीं। टिकट्स लेने के बाद यहाँ पे वेटिंग एरिया में जो स्टे था थोड़ा वेटिंग टाइम था वो थोड़ा ज़्यादा था। हम यहाँ पे 2 बजे पहुँचे थे और हमें 3 बजे का टाइम मिला था, 3 से 4 बजे तक का हमारा बुकिंग स्लॉट था। मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे 2 तरह की टिकट्स हैं, एक प्रीमियम है और एक स्टैंडर्ड एंट्री है। यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड टिकट से बाय की थी। टिकट्स बाय करने के बाद हम यहाँ पे वेटिंग एरिया में वेट करते रहे, कभी इधर कभी उधर, लेकिन वेटिंग एरिया में इनके जो एसी है वो मतलब इतने काम नहीं करते, वेटिंग एरिया में गर्मी थी। उसके बाद हमें यहाँ पर टाइम हो चुका था हमारा एंट्रेंस का। टाइम होते ही हमें एक एक जैकेट मिली, साथ में के ग्लव्स मिले। यहाँ पे सब अपने अपने ग्लव्स ओपन कर रहे हैं, जैकेट्स अपने पहन ली हैं। उसके बाद यहाँ पर हम एंटर हो गए। ये विंटरलैंड एंटर होते ही साथ ही पहले तो हमें था कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी जैकेट्स की, लेकिन सब ने एकदम जैकेट्स पहनना शुरू कर दी क्योंकि वाकई ही सर्दी थी। एकदम जैसे आप कह रहे हैं फुल -10 डिग्री तो नहीं कहूँगी, लेकिन टेम्परेचर वाकई ही माइनस में था। सारी राइड्स की बात करती चलूँ, सारी राइड्स यहाँ पर बिल्कुल फ्री थी। एंटर होते साथ ही लेफ्ट साइड पे हमारे फर्स्ट राइड स्टार्ट होती है ये, उसके बाद आ गया कि आपको पता चलता जाएगा कौन कौन सी राइड्स हैं। जब आप इतनी गर्मी से आओ एकदम टेम्परेचर डाउन में, तो वाकई ही टेम्परेचर आपको फील होता है कि यार वाकई ही माइनस में है टेम्परेचर तो। लेकिन जब हमने वहाँ पे स्टे किया थोड़ी देर, आधा घंटा में टाइम गुजर गया, वाकई ही सर्दी लगना स्टार्ट हो गई थी। तब तो ग्लव्स भी नहीं काम कर रहे थे, मतलब ग्लव्स में भी हाथ आपके कैसे कहते हैं ना सुन हो रहे हैं वैसे हो रहे थे। छोटे छोटे पॉइंट्स पे ही इन्होंने इतना ज़्यादा डेकोरेट किया हुआ है प्यारा सा, और सारा ही ठंडा बर्फ़ से ही किया हुआ है। और पता चलता है कि भैया आप विंटरलैंड में आकर और आपके पिक्चर्स लेने के लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी और यहाँ पे मतलब कह लें ज़्यादा सेटअप है। मैंने एंटर होते साथ तो पहले तसल्ली से सारी वीडियो कंप्लीट की अपनी, और फिर मैंने इंजॉय किया, फिर मैंने राइड्स ली यहाँ पर। यहाँ पर मुझे बर्फ़ के डोनट से बहुत प्यारे लग रहे थे, कितने कलरफुल लग रहे हैं। इसके बाद हमने अपनी फुल राइड लेना स्टार्ट कर दी, करके हमने हर झूला ट्राई किया, हर राइड ट्राई की। यहाँ पे बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था, मतलब अगर आप कह लें कि आपका वर्थ है 1500 रुपीज़ यहाँ पे, तो मैं कहती हूँ 1 घंटे में सारी टिकट्स फ्री के साथ, मतलब राइड्स फ्री के साथ, तो वर्थ इट है ये। मतलब हर छोटे स्पॉट पे एक नई एक्टिविटी है, हर छोटे स्पॉट पे आपको एक नई गेम मिलेगी, एक नई राइड मिलेगी, एक नई एक्टिविटी मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे मज़े का पॉइंट जो मुझे लगा वो है स्नोफॉलिंग एरिया। यहाँ पे इन्होंने एक स्नोफॉल एरिया बनाया हुआ है, वहाँ पे कॉन्टीन्यूसली स्नोफॉल हो रही है, तो भी बिल्कुल ओरिजिनल स्नोफॉल की तरह लग रही थी। और मतलब आप इतनी गर्मी में कि बाहर टेम्परेचर इतने हाई टेम्परेचर से आओ जून जुलाई के महीनों में, तो एकदम आके आपको स्नोफॉलिंग मिल जाए तो यार क्या बात है, वर्थ इट हो जाता एक्सपीरियंस। इस एरिया में आते साथ ही हम लोगों की लड़ाई शुरू हो गई थी, हमने वो पकड़ पकड़ के स्नो एक दूसरे के ऊपर फेंकी, लाइक मतलब निकलने को दिल ही नहीं कर रहा था इस जगह से। इतनी मज़े की और इतना अच्छा एक नई एक्टिविटी थी ये लाहौर में सब लोगों के लिए। कराची में तो पहले भी था, मैंने सुना है कराची में विंटरलैंड था, लेकिन लाहौर वालों के लिए नई एक्टिविटी थी, तो इसीलिए इसकी इतनी हाइप और इतना क्रेज़ लोगों में मैंने देखा। और वाकई ही वहाँ पर एक के बाद एक बुकिंग स्लॉट में काफ़ी रश था। सबसे मज़े की चीज़ यहाँ पे बड़े भी बच्चे बने हुए थे, अब बड़े भी हर किस्म की राइड्स ले रहे थे, साइकिलिंग होगी, साइकिलिंग की एक्टिविटी होगी, बड़ों ने भी इंजॉय की वहाँ पे। यहाँ पे मेरी स्लाइड की बारी थी और आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मज़े की राइड थी ये। ये है विंटरलैंड का पूरा ओवरऑल व्यू जो मैंने ऊपर से कैच किया था, और इसी के साथ साथ ही हमारा टाइम यहाँ पे ख़त्म हो गया था।
और इसके बाद हम यहाँ से KFC चले गए खाना खाने के लिए और KFC से हम सीधा घर। और उम्मीद है आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, हमने बहुत इन्जॉय किया। अगर आप लोग यहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं तो लाजमी जाएं, बहुत मज़े की प्लेस है और आपको वाकई लगेगा कि आपके जो 1500 है वो वर्थ है।